तो मेरी वो प्रक्रिया चल रही थी, फिर पता चला कि वो मामला तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, शायद वो जमीन किसी को दे नहीं सकते, इस प्रकार का कुछ है, मुझे पूरा याद मालूम नहीं क्योंकि मैं इस चीज़ों में रुचि नहीं लेता, लेकिन जब भी वो क्लियर हो जाएगा तो मैंने वो भी पार्टी को देना तय किया हुआ है। सब सच में गुजराती है ना, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो पैसों के लिए बहुत सही रहते हैं। मतलब मैं नहीं मानता कि मतलब आपने अपना प्लॉट दे दिया, आपने पैसे दे दिए तो आप, क्योंकि मैं आपको, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक छोटा चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। एक गुजराती आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, वो मर रहा था, तो वो कहता है, मेरी गुजराती जरा इतनी ठीक नहीं है, वो कहता है कि मारो डिकरो क्या छे, मतलब मेरा बेटा, तो बेटा अगर डैडी हूँ यहाँ छू, मारी डिकरी क्या छे, डैडी हूँ यहाँ छू, मेरी बीवी कहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, आप तीनों यहाँ हैं तो दुकान पे कौन है? तो सारे के सारे इधर ही आ गए हो तो मेरे दुकान पे कौन है? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि, क्योंकि मैंने देखा है गुजरात, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, गुजराती जो होते हैं वो अपने पैसों को बहुत सही संभाल के रखते हैं, वो अपने पैसों से दूर नहीं रहते। मैं आपको एक चुटकुला सुना दूँ? जो ठीक है, ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ चुटकुला चलता है कि एक बार प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, रेलवे ट्रेन में, हाँ, तो ऊपरी बर्थ पे कोई पैसेंजर सोया हुआ था, तो उसने देखा स्टेशन आया, तो उसने खिड़की में आवाज लगा के बाहर किसी को पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया, तो उसने कहा चार आना दोगे तो जवाब दूंगा, तो बोले जवाब की जरूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। समझ गया मैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बात सही एक है। और एक बताता हूँ, ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले, वैसे मेरी जिंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था, और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और कोई मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में, तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में आरएसएस दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था, तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे 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 साथ चलता गया, फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा, और उसने मेरा ध्यान गया, मैं कहीं ऐसे कैसे चला रहा हूँ स्लोली मेरी स्पीड से, मैं कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैं कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैं कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे, तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। तो जब उसने मुझे पूछा आप समाजवादी, तो मेरा तुरंत जवाब था मैं अहमदाबादी हूँ। आइए सर, एक थोड़ा चलते चलते बात करें आपसे। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके तीन विशेष हैं, तो वो आपके तीन विशेष क्या होंगे? देखिए, अलाउद्दीन चिराग मुझे मिल जाए और सचमुच में उसके पास ताकत होगी जी, तो मैं उसे कहूँगा कि तुम जितने भी ये समाजशास्त्री हैं या जो एजुकेशनलिस्ट हो, उनके दिमाग में भर दो कि भावी पीढ़ी को ये अलाउद्दीन चिराग वाली कथा सुनाना बंद करें कि ऐसा कोई अलाउद्दीन होता है और इच्छाएं पूरी करता है। मैंने कहा उसको मेहनत करना सिखाओ। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप ये जवाब दोगे। मुझे लगा आपको ये तीन विशेष
आप सोचोगे कि क्या है तीन विशेष, लेकिन ये एक बहुत ही सही तरीका है. आलसपना जो होता है वो यही चीज़ों से आता है, यार आई विश मुझे ये मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए. तो ये जो आपने जो किया हुआ है, ये जो कहा हुआ है, बिल्कुल सही कहा हुआ है. ये मूलतः बाहर से आई हुआ चिंतन है जी, मैंने रिसर्च नहीं किया है. हाँ, ये हमारे यहाँ मूल चिंतन ऐसे नहीं है. मूल चिंतन तो हमारे यहाँ परिश्रम का है जी. हमारे यहाँ ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कुछ आकर को कोई दे देगा, ऐसा नहीं है जी. एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना होता है, आपको भी रिटायर होना पड़ेगा. तो आपने कभी पोस्ट रिटायरमेंट प्लान सोचा है कि आपने जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब आप पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे, तो आपके आगे जाके आपने क्या करना है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जी. हम लोगों की एक मीटिंग थी इनर सर्कल की, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, राजमाता सिंधिया जी थी जी, सिकंदर भक्त साहब थे, प्रमोद महाजन भी थे, और उसमें सबसे छोटी आयु का मैं रहता था. तो बातें चली, उसमें से ऐसे ही अभी मीटिंग शुरू होना बाकी था, ऐसे गप्पे चल पड़े कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे. तो सबने कुछ न कुछ अपना बताया. प्रमोद महाजन इसको बड़ा लोगों को खुरद खुरद करके निकालते थे. अच्छा, प्रमोद जी की व्यक्तित्व की विशेषता थी, उनका जीवन बड़ा विविधताओं से भरा था, अनेक प्रकार की एक्टिविटी से वो अपने आप को जोड़े रखते थे. मुझे पूछा, मैंने कहा भाई मेरे लिए तो बड़ा कठिन है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कभी इस सारे चीज़ों में सोचा ही नहीं. मैंने तो जब जो जिम्मेवारी मिले उसी को जिंदगी माना है, जिम्मेवारी ही मेरी जिंदगी है. अच्छा. और इसलिए मुझे कल्पना ही नहीं होती है कि मेरे इसमें समय बिताने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा. और इसलिए मैं कभी नहीं मेरे मन में विचार आया और न ही मैं सोचता हूँ. और मुझे पक्का लगता है शरीर का कण कण और जीवन का पल पल किसी न किसी मिशन में ही खपाऊंगा, ये आपने सोचा हुआ है? ये शायद सोचना नहीं है जी, मेरी मेरे पास लिखे सिवाय कुछ मुझे पर कौशल्य ही नहीं है. मैं जिस हिसाब से आप बताते हो कि मुझे लगता है आप जिंदगी में, मतलब जब सीएम से यहाँ जब पीएम बने थे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे वैल्यूबल चीज आप क्या लेके आए थे यहाँ इस घर के अंदर, इस घर के अंदर सबसे वैल्यूबल चीज आपकी क्या रही थी? अगर मैं वैसे ये पूरी बातचीत आपने पहले ही मुझे कहा भाई मैं तो कोई राजनीति की चर्चा करना नहीं चाहता, नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनते समय शायद और प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है. देश में इतने प्रधानमंत्री हो गए जी, इतने प्रधानमंत्रियों को ये बेनिफिट नहीं मिला है जो मुझे मिला है. वो ये है कि मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ और मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था. चीफ मिनिस्टर होने के नाते आपको बारीकियों से जूझना पड़ता है, बारीकियों से काम करना पड़ता है, आपको इश्यू आपके सामने सीधे आते हैं, सॉल्यूशन आपको सीधा करना पड़ता है. ये तजुर्बा शायद मेरे पहले के किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, इतना सद्भाग्य नहीं मिला. देवगौड़ा साहब मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए, मैं बहुत लंबा रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि इसने मुझे देश की सेवा करने के लिए बहुत बड़ी संबल दिया, बहुत बड़ी ताकत दी है. ये मैं अपना एक मान सकता हूँ कि वहाँ से मैं लेकर के आया ये जो देश के काम आ रहा है. आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सो